This conference will now be recorded. अध्यासों मोवासरा अथवा अंतिमासरा है। मार्गशीर्ष शुद्ध चतुर्दशी दिनांक 28 दिसंबर 2020। पातंजलि योग सूत्र व्याधिस्थान संशय प्रमाणानस्य। मुखं करोति वाचालं पंगुं वंदयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंदमाधवम् अभिस्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे शरीरमाद्यं करु धर्म साधनम् कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासो यदुक्तवान् तत् अहमत्र वक्षे। उद्दिष्टमायुर्वेदस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणं आतुरे रोगमुक्तिश्च द्वयमेतत् प्रयुज्यते योगशास्त्रे धना किन्तु न तस्य प्रयोजनम् द्वयोर्मोक्षप्राप्तिस्यातुरयोगो मोक्षप्रवर्तकः स्वास्थ्यं च रोगमुक्तिश्च मोक्षप्राप्तिस्तथैव च सम्यक् अध्ययनेनैव आयुर्योगस्य तद् भवेत्। प्रथमोऽध्यायः समाधिपादः अथ योगानुशासनम् योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा दृष्टिस्वरूपेव स्थानम् वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्च तदीयः क्लिष्टाक्लिष्टाः प्रमाणविपर्ययविकल्पनितरास्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्ययोगविद्याज्ञानपतद्रूपप्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपातिवस्तुशून्यो विकल्पः अभाव प्रत्याय लंबना वृत्ति निद्रा अनुभूत विषयासं प्रमोषा स्मृति अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितो यत्नोभ्यासः सतु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारा सेवितो दृढभूमि दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यं तत्परं पुरुषख्यातिर्गुण वैतृष्ण्यं वितर्क विचारानन्दास्मिता रूपानुगमात् संप्रज्ञातः विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषोन्यः बहु प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानां श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां तीव्र संवेगानां आसन्नः मृदु मध्यादि मात्रत्वात् ततोपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानाद्वा क्लेशकर्म विपाकाशयेर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सार्वज्ञ बीजं स पूर्वेषामपि गुरु कालेनानवच्छेदात् तस्य वाचिक प्रणवः तज्जपस्तदर्थ भावनम् तत प्रत्यक्केतनाधिगमोऽप्यन्तराया भावश्च व्याधिस्थान संशय प्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदर्शना लब्धभूमिकत्वानुवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्ते अन्तरायाः दुःखदौर्मनस्याङ्गमेषेत्वश्वास प्रश्वासा विक्षेप सह भुवः तत्प्रतिषेधार्थम् एकतत्त्वाभ्यासः मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां सुख दुःख पुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्त प्रसादनम् प्रच्छर्दन विधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसस्थिति निबन्धिनी विशोका वा ज्योतिष्मति वीतराग विषयं वा चित्तं स्वप्न निद्रा ज्ञानालम्बनं वा यथाभिमत ध्यानाद्वा परमाणु परम महत्वान्तोस्य वशीकारः क्षीणवृत्तेरभिजातस्यैव मणेर्गृहीतृ ग्रहणग्राह्येषु तत्स तदन्यनता समापत्तिः तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा स वितर्का समापत्तिः स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्येवार्थमात्र निर्भासा निर्वितर्का एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता सूक्ष्म विषयत्वं चालिंग पर्यवसानं ता एव सबीज समाधिः निर्विचार वैशारद्यध्यात्म प्रसादः ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा कृतानुमान प्रज्ञाभ्याम् अन्य विषया विशेषार्थत्वात् तज्ज संस्कारोन्य संस्कार प्रतिबंधी तस्यापि निरोधे सर्व निरोधान निर्वीय समाधि इति पतंजलि विरचिते योग सूत्रे प्रथम समाधि पादः। व्याधिस्थान संशय प्रमादा वस्या विरति भ्रांति दर्शना लब्ध समुत्तमान वस्तुत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतरायाः। तो पहले वाले सूत्र में तथा प्रत्येक चेतनाधिगम अंतराया भावश्च ईश्वर प्रणिधान से क्या क्या होता है ये बताते हुए तो जपस्तदर्थ भावना उसका जो जप है ओंकार का तस्य वाचक प्रणव तजपः तदर्थ भावना तो
उसका जप करना, यानी कि उसके अर्थ की भावना करना इस प्रकार से। तो इससे क्या होता है, तत्व प्रत्येक चेतनाधिगमोऽप्यन्तराया भावश्च, तो पुरुष का साक्षात्कार हो जाता है ईश्वर परिधान से, और अंतराया भावश्च, और जो विघ्न है उसमें मुक्ति के बीच में, उनका अभाव इस प्रकार का हो जाता है। तो ये अंतरा भाव, अंतराय अभाव, तो अंतराय कौन कौन से है, तो व्याधि स्थान संशय प्रमाद आदस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमि तत्व अनवस्थित तत्व, ये सभी अंतराया अंतराय इस प्रकार के है, और उनका अभाव इस ईश्वर प्रणिधान और ओंकार का जप जिसके जरिए होता है, ये ऐसा कहना इस प्रकार का है। अतः के अंतर आया ये चित्त से विक्षेपा पुनस्ते कियंतोच वा इति, तो कौन कौन से अंतर आए हैं ये जो चित्त के विक्षेप है, और वो कितने हैं। व्याधि स्थान संशय प्रमाद आदस्य अव्यक्ति भ्रांति दर्शना लब्ध भूमि तत्वान अवस्थित तत्वान चित्त विक्षेपा ते अंतराय, तो ये सभी जो चित्त विक्षेप है वो अंतराय है। नव अंतराया चित्तस्य विक्षेपाः, तो ये नव कुल मिलके इस प्रकार के हैं। सह एते चित्तवृत्ति भी भवन्ति, तो ये चित्तवृत्ति के सह हो जाते हैं। एतेषाम अभावे न भवन्ति पूर्वतश्चित्तवृत्तयः, तो चित्तवृत्ति इन अंतराय से मिली जुली होती है इस प्रकार से, और अगर इनका अभाव होता है तो उनकी वाली जो चित्तवृत्ति है वो नहीं होती। तत्र व्याधिर धातु रस करणम वैषम्यम, तो व्याधि क्या है, धातु रस करण वैषम्य, इस प्रकार का धातु के बारे में, व्याधि के बारे में बताया। तो ये थोड़ा अजीब ही विश्लेषण है व्याधि के बारे में। अब ये तो पता नहीं है कि पतंजलि का कार सामान्यतः ईसपु 500 इतना दिया जाता है, और ये अभी सभी अर्वाचीन वैद्य के द्वारा प्रचलित मत, इस प्रकार का आधुनिक जो इतिहासकार है उनके द्वारा प्रचलित ये मत है। अभी इनके हिसाब से तो, कोलटकर जी के हिसाब से तो ये काफी पुराना इस प्रकार का है, और उस समय में आयुर्वेद के जो ग्रंथ है उनका कालावधि कितना है, ये इसके बारे में कुछ बहस इस पुस्तक में तो नहीं है। महाभारत के अंतकाल में ये हुआ था ऐसा एक मानना है, और वो ईसपू 3000 इस प्रकार का पीरियड आता है। तो शायद उस समय में इसकी रचना हुई होगी, और हमारे हिसाब में चरक ग्रंथ कब उत्पन्न हुआ, सुश्रुत कब उत्पन्न हुआ, ये काफी मुश्किल बातें हैं समझने में इस प्रकार से। और हमारे यहाँ व्याधियों की व्याख्या की है, व्याधि की व्याख्या की गई है, रोगस्तु दोषो वैषम्यम दोषो साम्यम अरोगता, इस प्रकार की वाक्पट की है। लेकिन सुधातु वैषम्य निमित्त जाए विकार संज्ञा शरीर वस्तुएव, ये चरक का कहना है। तो उसमें काफी तरक्की हुई है, ये यहाँ जो व्याधि धातु रस करण वैषम्यम इस प्रकार का बता रहे हैं, तो धातु शब्द से दोष धातु मद तीनों ले सकते हैं, रस शब्द से रस और उससे उत्पन्न होने सभी धातु, चाहे ये वो आहार रस ले ले या फिर रस धातु ले ले, रसा मौसम और करण ये इंद्रिय है, तो पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय और उभयात्मक मन, इन सभी के बारे में जो वैषम्य है वो व्याधि इस प्रकार का बताया गया। तो वास्तव में
हम जब आयुर्योग की बात करते हैं तो यहाँ काफी हम प्रकाश डाल सकते हैं आयुर्वेद से विभिन्न सूत्र लेकर कि व्याधि एक्चुअली क्या है। तो दुख संयोगा व्याधया ये सुश्रुत का कहना है। तो जिसमें दुख का संयोग होता है वो व्याधि इस प्रकार का कहा जाता है। और दोष वैषम्य यानी कि व्याधि, और फिर दोष के बारे में जिक्र न करते हुए बाकी धातु और करण जो इंद्रिय है वो उनके बारे में भी वैषम्य इस प्रकार का जो व्याधि कहलाएगा। तो मैं समझता हूँ कि अगर आयुर्योग की दृष्टि से इसके ऊपर कुछ टीका टिप्पणी लिखनी है तो यहाँ काफी अवसर है हमें इसके बारे में बताने के लिए। स्थान स्थान कर्मण्यता चित्तस्य, स्थानम अकर्मण्यता चित्तस्य। तो स्थानम क्या है? तो अकर्मण्यता चित्तस्य, चित्त कर्महीन इस प्रकार का हो जाना, इसके कर्म कम हो जाना इस प्रकार का, ये स्थानत्व है। तो ये आगे इसके बारे में बताते हैं कि सत्व रजस तमस ये चित्त के घटक इस प्रकार के हैं, और एक का उदय होने पर बाकी दोनों का अस्त होता है। तो अगर सत्व और रज इन दोनों का अस्त हुआ और तम का उदय इस प्रकार का हो जाए तो चित्त मूढ़ जड़ भ्रम प्रमाद इस दोषों इन दोषों से ग्रस्त इस प्रकार का हो जाता है और वो फिर कुछ काम नहीं करता। तो ऐसी स्थिति होना ये एक अंतराय इस प्रकार का, हमें चाहिए कि हमें प्रेरणा मिले योगाभ्यास करने के लिए, हम निरंतर मिलती रहे, ये एक चीज रहेगी। और सत्व गुण का उद्रेक हो जाए तो क्या होता रहेगा? तो ये दोनों आवश्यक है। सत्व गुण प्राधान्य प्राधान्य से अपेक्षित है, उसके बजाय अगर ये तमोगुण का प्राधान्य हो जाए तो अकर्मण्यता चित्तस्य, उसकी अकर्मण्यता इस प्रकार की हो जाए। संशय उभय कोटिस्कृत विज्ञानम स्यादिदम एवं न एवं स्यादिदम इति। तो उभय कोटि ज्ञान जो है वो संशय इस प्रकार का है, कोटिस्कृत विज्ञान ये भी होगा ये नहीं भी होगा इस प्रकार से, स्यादिदम एवं न एवं स्यात्, ऐसा भी होगा और ऐसा नहीं भी होगा इस प्रकार से। तो अगर आदमी के मन में इस प्रकार के संशय रहेगा तो ये प्रत्यवाय बन जाएगा आगे की तरफ के लिए। और इन्होंने कुलटकर जी ने इसके बारे में जो बताया है कि योगाभ्यास कर रहे हैं और इसलिए चित्तवृत्तियों का निरोध कर रहे हैं, और जिसको अभी बाकी लोग सुख समझते हैं उन सभी भावनाओं को हम त्याग कर रहे हैं, उस वो चित्तवृत्ति है उनसे हम अलग हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि केवल आत्मस्थ मनसि स्थिर इस प्रकार की स्थिति हो जाए तो मुझे पहले तो सुख प्राप्त होगा, एक आनंदावृत्ति इस प्रकार की बताई गई है संप्रज्ञात समाधि, सभी तर्क सविचार आनंद सानंद और सांस्कृतिक, ये चार भेद जो या चार अवस्थाएं जो संप्रज्ञात समाधि में बताई गई है, उस आनंद तक हमें पहुंचना है क्योंकि आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। तो मन के मन आत्मा में स्थिर हो जाए तो वो आनंद के आनंद की इस प्रकार की मिले। लेकिन इस बीच अगर ऐसा हो कि इसके बारे में संदेह निर्माण हो जाए कि सचमुच इस प्रकार से मुझे आनंद मिलने वाला है या सचमुच इस मार्ग पर चलने पर मुझे मुक्ति मिलने वाली है, ये ऐसा होगा या नहीं होगा इस प्रकार का संशय अगर निर्माण हो जाए इस प्रकार का, तो ये एक अंतराय बन जाता है बीच में। हाँ, और फिर आगे की तरक्की नहीं। तो इस प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। ये संशय क्यों निर्माण होगा? क्योंकि लोग ऐसा समझेंगे कि मैं इस मार्ग पर तो चल रहा हूं लेकिन अगर वो नहीं हुआ सानंद सस्मित सानंद संप्रज्ञात समाधि में मैं पहुंचा नहीं और बाह्य विषयों से तो मैं छूट गया हूँ इस प्रकार से, तो वो भी आनंद में और वो भी आनंद में, मैं बीच में लटक जाऊंगा और फिर ये
बड़ी कठिन परिस्थिति होगी। उसको भी पार करके आगे चलते हैं, अवभव प्रत्यय विधेय प्रकृति लय आना, प्रकृति लय हो गया तो फिर से संसार में आना पड़ेगा इस प्रकार से। तो जहां भी संशय इस प्रकार का निर्माण होगा वहां सही ज्ञान होना मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। और फिर वो आगे की तरक्की के लिए एक अंतराय इस प्रकार का बन जाता है। तो हमारा दृढ़ विश्वास उसमें होना चाहिए कि ये मार्ग जो बता रहे हैं उसी मार्ग पर मुझे चलना है, और उसी मार्ग पर चलने से मेरी मुक्ति इस प्रकार की हो जाएगी। तथा दृष्ट स्वरूप अवस्था में ये प्रकार इस प्रकार की जो अवस्था है वो मुझे मिल जाएगी। अगर संशय रहेगा तो फिर उस दिशा से तरक्की नहीं हो पाएगी, ये एक अहम चीज है। हमारे क्षेत्र में भी हम केवल आयुर्वेद की चिकित्सा करेंगे ऐसा हमने एक बार निश्चय कर लिया। बीच बीच में अंतराय आते रहते हैं और कठिन परिस्थितियां आती रहती है कि जहाँ मेरे मेरे लिए संशय उत्पन्न हो सकता है कि केवल आयुर्वेद से इस कंडीशन में हम देखकर पार जाएंगे या नहीं जाएंगे इस प्रकार से। तो फिर एक बार संशय निर्माण हो गया तो डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है। तो मैं समझाता आ रहा हूं कि हमें खुद नहीं चिकित्सा करनी, एलोपैथी की चिकित्सा नहीं करनी। अगर ऐसी स्थिति आ गई, आपत्ति आ गई कि हमें कुछ योगवशात हमारे दैव के वशात एलोपैथी की चिकित्सा करनी पड़े तो हम खुद तो नहीं दवाई लेंगे अपने हाथ से, किसी एलोपैथी के डॉक्टर के सलाह ले लेंगे और फिर उसके सलाह से अगर दवाई चलनी है तो चल सकती है। लेकिन मैं खुद ही ये दवा दे दूंगा, बहुत सारे वैद्यों में ऐसा होता है कि जब बच्चों को बुखार आता है तो वो घबरा जाते हैं और वो तुरंत ये पैरासिटामोल दे देते हैं। तो अगर ऐसी ही नौबत आई तो पैरासिटामोल खुद नहीं देना, चाहे एलोपैथी के डॉक्टर के पास जाओ उन्होंने अगर पैरासिटामोल दी तो अलग है। पहले तो हम हमारी कोशिश करेंगे कि बुखार कैसे मिटेगा, इस प्रकार से मार्ग पर सही तरीके से चल रहे या कोई त्रुटि है कैसे समझेंगे। मुश्किल है बताना। अभी इसमें ऐसा रहता है कि ग्रंथ ये गुरु है और साक्षात भी कोई गुरु हो सकता है। तो जनरली अध्यात्म के बारे में बताते हैं कि जब आपकी उतनी तरक्की होती है तो गुरु खुद तुमको ढूंढते हुए आता है, आपको संदेशा मिल जाता है कि मुझे फॉलो करो इस प्रकार से। और ऐसे कई उदाहरण हैं कि अचानक दृष्टांत हुआ और फिर गुरु आकर मिले इस प्रकार से। नहीं तो ग्रंथ ही गुरु है ऐसा मानकर चलना चाहिए। उसमें भी संदेह निर्माण होता है कि मैं जो अर्थ लगा रहा हूं वो प्रॉपर है या नहीं है, मेरा संस्कृत का ज्ञान कितना है और जो शब्दों से मुझे ज्ञान हो रहा है वो सही है नहीं है, उसके लिए भी गुरु की आवश्यकता हो सकती है वो बताने के लिए इस प्रकार से। और फिर हम योग्य मार्ग पर चल रहे हैं और विपत्तियां आ रही है, आपत्ति आ रही है, तो शायद सोच सकते हैं कि हमारा तरीका गलत है और किसी अच्छे वैद्य से, अच्छे गुरु से हम मार्गदर्शन देंगे कि ये ऐसे 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 आपत्तियां आ रही है, आप मार्ग सुझाए इस प्रकार। लेकिन इस प्रकार के गुरु मिलना ये भी भाग्यवश इस प्रकार का होता है कि जिनको आप पूछ सकते हैं और वो आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं। ऐसी अगर स्थिति नहीं हुई तो ये फिर भटक जाने का हो सकता है, लोग भटक जाएंगे इस प्रकार से भी हो सकता है। तो उससे बच के रहना है, ये सबसे आम चीज है। तो ज्ञान जो है वो अच्छा हो इसके लिए प्रयास, सही ज्ञान हो इसके लिए प्रयास करना बहुत जरूरी।
अगर हम खुद ही पढ़ने की कोशिश करेंगे, खुद ही समझने की कोशिश करेंगे, और हमारा ज्ञान अधूरा है या हमारी समझ अच्छी नहीं है, तो भी उसमें दिक्कतें हो सकती है। और अगर हमें अच्छा गुरु नहीं मिले, जहाँ हम अटक गए वहां पे अच्छा गुरु नहीं मिले, तो भी मुसीबत आ सकती। मैंने ऐसा सोचा था कि मेरा जो कि कुछ संस्कृत का ज्ञान है, उस आधार पर व्यास भाषा में पढ़ लूंगा खुद, और वो का पर्याप्त होगा ऐसा मैंने सोचा था। जब मैंने पढ़ना आरंभ किया तो मालूम हुआ कि नहीं, हमें कुछ गड़बड़ी हो रही है यहाँ पे, हम केवल व्यास भाषा के आधार पर आगे नहीं जा रहे। तो कानू सर ने कहा कि ठीक है, कृष्णा कृष्णा जी का एक कानिष्ठ, कृष्ण शास्त्री कानिष्ठ संस्कृत के विद्वान है, और उनसे हम सीखेंगे। तो हम दोनों उनके पास जाने लगे, और ये सिलसिला कम से कम 6 महीने चला, जबकि ये बात है 2005 2006 साल की। और इस प्रकार से जब मैं वहां रहता था आदर्श नगर में, और वो नजदीक रहते थे वहां से, गानू सर मेरे घर आते थे और हम लोग, तो उस समय में भी ऐसा हुआ कि जब वो पढ़ा रहे थे, दानू सर का भी कहना है, कृष्ण शास्त्री कानिटकर का भी कहना था कि मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो ये अलग है, फिर भी जितनी सारी किताबें उपलब्ध है, जितनी सारी टीकाएं उपलब्ध है, उसके आधार पर कुछ ना कुछ अर्थ लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उनका प्रैक्टिकल अनुभव कुछ भी नहीं था, प्रैक्टिकल अनुभव गानू सर का था, और ये एकलव्य जैसा इस प्रकार का अनुभव रहा है कि जो भी ज्ञान हुआ है उसके आधार पर इस मार्ग पर चलते रहना। इन दोनों का मिलाप होना बहुत जरूरी इस प्रकार का था। उस समय में शब्दार्थ या वाच्यार्थ कुछ हद तक समझ में आया। गानू सर तो योग ही में काम कर रहे थे, उन्होंने बाकी सब छोड़ दिया था, तो उनके प्रचलन में ये रहा, लेकिन मेरा प्रचलन छूट गया योग सूत्र से। और फिर जब मैंने फिर से पढ़ना आरंभ किया, तो पता चला कि नहीं, जो उस समय मुझे समझा था, मैंने समझा था, वो भी अभी नहीं रहा। ये पुनः नए तरीके से शुरू करना है इस प्रकार से। तो मैंने गानू सर से अनुरोध किया कि आप इसमें ज्वाइन हो जाओ। वो अभी एक देहात में जाकर बसे है, कोंकण में, और वहां कोई भी रेंज नहीं है, कोई भी ये बीएसएनएल की ज्यादा से ज्यादा रेंज है, लेकिन वो भी 2G का ही है, 3G वगैरह का पता नहीं है, और ये पढ़ने के लिए रेंज ही नहीं है। वो तो बोले अगर रेंज है तो मैं करूंगा, लेकिन हुआ नहीं, मालूम नहीं आगे के बरसों में कभी रेंज आएगी नहीं आएगी इस प्रकार से। तब तक तो हमें ही मार्गक्रमण करना पड़ेगा इस प्रकार से। बीच बीच में कभी जाकर उनसे मिलकर इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर सकते हैं, ऐसा है। शंका एक प्रॉब्लम होता आपल्याला मनाने नहीं, मला वाटतं बऱ्याच ऐसा भी होता ही है, ऐसा नहीं बता सकते। ये हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है वो एक अलग चीज है। योगियों को अगर हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं तो वो क्या करेंगे, ये एक अलग चीज है। यो मैं जो बता रहा हूँ, योगियों को अगर उनके मार्ग में कुछ विघ्न है, शारीरिक अंतर हाँ वेगळा झाला, व्याधी म्हणतेस तो वेगळा झाला, ना
मी म्हणतोय ते ह्या क्षेत्रामध्ये गुरु भेटणं. नाही हा नंतर तुमचा भाग झाला, हा आधीच संशय, पाहिजे होता सगळी संशय पहिली निर्माण आला. होणे पर संशय का निराकरण कौन करेगा? एक तो ग्रंथ करेगा अगर भलीभांति समझ लेते हैं तो, नहीं तो गुरु करेगा. गुरु तो मिलना चाहिए ऐसा है ना. वो अलग उदाहरण इसलिए मैंने दिया कि वहां भी संशय होता है, इसलिए उदाहरण. इसका डायरेक्टली इससे संबंध कुछ है ही. आयुर्वेद में भी इस प्रकार से संशय हो सकता है जो हम सभी आयुर्वेद के मार्ग पर चल रहे हैं. और संप्रदायिक शारीरिक रेडी झाले ना. मग मैंने उस बात को छेड़ा ही नहीं है. व्याधी एक अंतराय है, यही यही पे रुक गया. व्याधि की व्याख्या क्या है वो आयुर्वेद के हिसाब से वगैरह वगैरह अलग चीज है. यहाँ पे जो किया है व्याधि धातु रस करण वही शब्द में यही पे छोड़ दिया. अगर व्याधि है तो उसकी चिकित्सा होनी चाहिए, वो कौन करेगा? वैद्य करेगा. अभी के हालात में डॉक्टर करेगा. अगर वैद्य नहीं है तो डॉक्टर करेगा इस प्रकार से. तो ये जो अंतराय है उनसे उनको कैसे उनसे छुटकारा पाना है ये अलग अलग चीज रहेगी. तो व्याधि से छुटकारा पाने के लिए वैद्य या डॉक्टर की जरूरत इस प्रकार की रहेगी. और वो हो जाएगा, वो किसी भी तरीके से हो जाए तो ठीक है, ये अंतराय नष्ट होगा. अभी ये बता रहे हैं कि ईश्वर प्रणिधान या तो जपस तदर्थ भावनम इससे भी अंतराय भाव हो जाता. तो केवल ईश्वर पर विधान करने से भी व्याधि दूर हो जाएगा, ये जो अंतराय है ये दूर हो जाएगा. वैद्य की भी आवश्यकता उसमें है, ऐसा नहीं है. हमारे हिसाब में अगर ये अंतराय है और उसको दूसरे किसी तरीके से दूर कर सकते हैं, वैद्यों की सहायता से दूर कर सकते हैं तो भी ठीक है. हमें अंतराय नहीं होना है, ये सबसे अहम चीज है. बीच में हमारे विघ्न नहीं होने चाहिए. जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं उस मार्ग में विघ्न नहीं होने चाहिए. अगर विघ्न आते हैं तो उनका निराकरण होना. तो व्याधि के बारे में निराकरण वैद्यों के द्वारा हो सकता है, लेकिन आपको ऐसा वैद्य मिलना चाहिए. हठयोग करने वाले अवयव का अतियोग नहीं करते क्या? अवयव का उससे व्याधि नहीं होता क्या? होंगे क्या? नहीं, इससे तो हठयोग से व्याधि नहीं निर्माण होंगे. हठयोग से व्याधि जो है वो दुरुस्त हो सकते हैं लेकिन निर्माण नहीं. अगर पोजिशन मध्ये राहणार व्याधि निर्माण होऊ शकते. वो अगर सही तरीके से आप कर रहे हैं तो इससे जो व्याधि है वो दुरुस्त हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे. व्याधि निर्माण तो नहीं होंगे. एक पैर पर खड़े होते हैं, ये तो सभी तप आचरण इस प्रकार के हैं और इससे व्याधि नहीं होंगे, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है. तो इसके लिए अभ्यास चाहिए, ये इस प्रकार से करने के लिए अभ्यास चाहिए. और वो जितना गहरा अभ्यास होगा, जितना निरंतर चलता रहेगा, उतना उससे फायदा इस प्रकार का होगा. मेरे कहने का मतलब और ही है. ये सब जो प्रकरणाधिकरण चल रहा है वो ईश्वर प्रणिधानत्वा इस प्रकार से चल रहा है. तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, इस अवस्था को हमें पहुंचना है, ये सबसे अहम चीज. उस अवस्था को पहुंचने के लिए एक ज्ञान मार्ग है जो पहले से बताते हुए आते हैं, और फिर संप्रज्ञात समाधि, फिर उसके बाद में असंप्रज्ञात समाधि, इस यहाँ पर वो आते हैं. अब दूसरा मार्ग बताते हैं ईश्वर प्रणिधान आत्मा. इस प्रकार से हम संप्रज्ञात समाधि से आगे असंप्रज्ञात समाधि में जा पहुंच सकते हैं ज्ञान मार्ग से. ईश्वर प्रणिधान आत्मा, इसी अवस्था को हम ईश्वर प्रणिधान से भी पहुंच सकते हैं. तो उससे क्या फायदे होते हैं? तो एक तो जपस तदर्थ भावनम, ओंकार जो है तस्य वाचिका प्रणवा,
उस ईश्वर का वाचक प्रणव या ओंकार है। तद जपा तथा भावना, ओंकार का जप करते रहेंगे तो उसका जो प्रयोजन है वो सिद्ध हो जाएगा, ईश्वर की प्राप्ति इस प्रकार की। तथा प्रत्येक चेतना अधिगम अंतराया भाव। तो प्रत्येक चेतना अधिगम यानी कि पुरुष का साक्षात्कार और अंतराया भाव, ये दोनों उद्दिष्ट उसमें से साध्य हो। तो अंतराय कौन से है? व्याधिष्ठान संशय प्रमाणानस्य वगैरह वगैरह, ये सब अंतराय है। तो ईश्वर प्रणिधान से ये ओंकार का जप करते हुए हमें प्रत्येक चेतनाधिगम, प्रत्येक चेतनाधिगम जो पुरुष है उसका साक्षात्कार होना, और बीच में जो अंतराय है जो विघ्न है उनका भी अभाव हो जाना, ये साध्य होता है ऐसा कहना। तो केवल ईश्वर प्रणिधान से व्याधि से मुक्ति हो सकती है, ऐसा है इस सभी सूत्र का कहने का तात्पर्य आपको इस प्रकार अच्छा का। अब इसके बारे में संदेह भी हो सकता है, ये कर रहे हैं तो संदेह होगा नहीं होगा वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो जहां तक संदेह है वहां आगे नहीं बढ़ सकते, संशय या संदेह का निराकरण होना जरूरी है, और उसके लिए ग्रंथ की या गुरु की आवश्यकता है, ये मैं बता रहा हूं। और ग्रंथ अच्छी तरीके से समझने चाहिए, उसके लिए संस्कृत की आवश्यकता है, सभी संस्कृत में है तो संस्कृत की आवश्यकता है। और फिर भी अगर हमें इसमें संदेह हो, निर्माण हो जाता है, तो शायद हमें गुरु मार्ग दिखा सकता है। तो गुरु का मिलना भी आवश्यक है, इस प्रकार की स्थिति में गुरु हमें मिल जाए और गुरु हमें मार्गदर्शन करे तो अच्छी बात इस प्रकार की है। सभी को मिलेंगे नहीं मिलेंगे वगैरह वगैरह अलग चीज है। ये अप्रेंटिस टू हिमालयन मास्टर ने श्री एम ने एक बात बताई थी, कथा बताई है कि कोई एक गुरु एक योगी बहुत ज्ञानवान, उसने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े हुए थे वगैरह वगैरह, फिर भी तत्वबोध नहीं हो रहा था, आत्मबोध जो होना है वो नहीं हो रहा, तो इसलिए वो चिंतित इस प्रकार से। तो उन्होंने श्री एम से बात कही, तो श्री एम ने कहा कि मैं अपने गुरु से पूछ लेता हूँ, अगर वो आपको समझाने के लिए तैयार है तो मैं आपसे मिलवा देता हूँ उनसे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो इन्होंने गुरु से अनुमति मांगी, तो गुरु उस समय विहार कर रहे थे, तो बोले मैं 6 महीने बाद वापस आने वाला हूँ तो उससे मिलेंगे। 6 महीने के बाद महेश्वरानंद जी वापस आए, इनको उनके पास लेके चले। तो उनको देखते ही महेश्वरानंद जी ने बताना शुरू कर दिया कि तुम प्रत्येक क्षण जो है वही तरीके से जिएंगे उसके बारे में सोचो, वर्तमान या भविष्य काल या भूतकाल, इस पर कुछ ढूंढने की कोशिश मत करो इस प्रकार से। तो आत्म तत्व को समझ लेना यानी कि हर क्षण को समझ लेना इस प्रकार का है। अब ये बड़ा अजीब इस प्रकार का उपदेश है, बस उस उपदेश खत्म हुआ, महेश्वरानंद वापस चले गए। और इनका कहना था कि कुछ दिनों बाद इन्होंने देह त्याग किया उस योगी ने, लेकिन उनके चेहरे पर बड़ी प्रसन्नता थी, जैसे कि उन्हें मुक्ति हो गई, उनकी मुक्ति हो गई इस प्रकार से। तो ये एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी कि इस अवस्था में अगर अच्छा गुरु आपको मिल जाता है तो शायद ये बात बन सकती है। जब तक गुरु न मिले तब तक कृष्णम वंदे जगत गुरु, उन्हें ही गुरु समझ योग्य गुरु जीवन में भेजने की प्रार्थना कर सकेंगे ना, वो तो सही है। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गुरुं यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवं। ये जो यहाँ पे मैंने प्रार्थना चुनी है क्योंकि ये शिव की योगेश्वर कृष्ण है।
तो कृष्ण की अगर भक्ति करेंगे इस तरीके से, तो हम वो हमें मुक्ति की तरफ लेके जाएगा इस प्रकार से। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए जब तक हमें व्यावहारिक गुरु नहीं मिलता, कोई ना कोई व्यावहारिक गुरु इस प्रकार से मिल सकता है। जैसे मैंने कहा कि एक कृष्ण, ये कृष्ण सर का अनेक ग्रंथ पढ़ाने के लिए व्यावहारिक गुरु मिले, या गानू सर हमारे एक व्यावहारिक गुरु हो सकते हैं इस मार्ग पर आक्रमण करते हुए इस प्रकार का। लेकिन मालूम नहीं अंतराय किस प्रकार के होंगे, और अंतराय उपस्थित होने पर कोई गुरु मिले नहीं मिले अभी तो पता नहीं इसके बारे में। तो ग्रंथ ही गुरु है या फिर कृष्ण को ही गुरु मानकर चले और हमारा उतना दृढ़ विश्वास होगा तो वो खुद ही हमें गाइडेंस करेंगे, वो तो ईश्वर इस प्रकार के ही है। छोटे बच्चे की कहानी बताई जाती है कि उसकी शाला भी थी, काफी दूर थी, बीच में जंगल था, और घर से कोई उसको छुड़ाने के लिए नहीं जा सकता था। तो उसकी माँ ने बता दिया कि एक काम करो, जब भी तुम्हें भीती लगती है तो कृष्ण को पुकारो, वो आकर तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हारा साथ देगा। तो बच्चे ने हाँ कह दी और फिर वो जाने लगा स्कूल और कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। एक कुछ बरसों के बाद माँ बोली कि आज मैं खुद आने वाली हूँ, तुम अकेले जाते हो ना हर रोज? तो नहीं, कृष्ण आता है, तुमने बता दिया था ना कि कृष्ण आएगा, तो कृष्ण आता रहता है और हम दोनों मिलके जाते हैं इस प्रकार से। माँ को बड़ा आश्चर्य है, कौन कृष्ण है और कैसे आ रहा है वगैरह वगैरह। तो बोला नहीं, मैं पुकारता हूँ तो आ जाता है। तो माँ ने कहा पुकारो आप कृष्ण को, उसने कृष्ण को पुकारा लेकिन कृष्ण आया ही नहीं। फिर आकाशवाणी हुई कि आज तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ में है, तो मेरे आने की जरूरत नहीं है, तो मैं नहीं आ रहा तुम्हारे साथ इस प्रकार। तो अगर सच्चे मन से इस प्रकार से हम पुकारते हैं तो ईश्वर का मार्गदर्शन मिल सकता है, लेकिन हमें संदेह नहीं होना चाहिए कि आएगा नहीं आएगा कैसे। माँ के वचन पर विश्वास रखकर उसने मार्गक्रमण शुरू किया और परमेश्वर ने उसकी इच्छा पूरी की इस प्रकार से। ये भी हो सकता है, नर्मदे हर के बारे में ऐसे बहुत अनुभव है कि वो नर्मदा मैया सभी को किसी ना किसी तरीके से मदद करती रहती। एक पांतस तो इस प्रकार का गुमराह हो गया, राह नहीं मिल रही थी, फिर उसने माँ का स्मरण किया। तो एक व्यक्ति आई वहां पे और उसने कहा आपको कहाँ जाना है? तो मुझे आगे यहाँ पे मुझे जाना है, तो ठीक है मेरे साथ चलो। वो वहां पे लेके चले गए और वो अदृश्य हो गए। जिसने मार्ग दिखाया है वो आपका सामने देहात है, आपको जहाँ जाना है। रात हो चुकी थी उस समय में, लेकिन वहां तक पहुंचा दिया उस व्यक्ति ने। कहाँ से आया, कौन है, क्या है, कुछ भी मालूम नहीं है इस प्रकार से। तो अगर ये विश्वास होता है तो हमें जरूर उससे सफलता मिलेगी। हमारा विश्वास नहीं होता, यही हमारी समस्या है। हम आएंगे तो देखेंगे, होगा तो शायद आएगा वगैरह, इस प्रकार से अगर सोचेंगे तो ये बात नहीं बनेगी। हमारा विश्वास पक्का होना चाहिए कि हाँ ईश्वर करने वाला इस प्रकार का, तो ईश्वर जरूर करेगा, उसमें कोई संदेह नहीं। तो संशय उभय संशय उभय कोटि श्रुत विज्ञानम स्यादिदम एवं न एवं स्यात्। तो ये इस प्रकार का होगा नहीं होगा, इस प्रकार का अगर संदेह हमारे मन में है तो वो खुद एक अंतराय बन जाता है, संशय अंतराय बन जाता है और फिर आगे तरक्की नहीं हो सकती है। तो हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि नहीं, इस मार्ग पर मैं चल रहा हूं और इस मार्ग से मुझे मुक्ति मिलने वाली है, इसमें कोई संदेह इस प्रकार का नहीं है। तो वही लोग उस मार्ग पर आगे जा सकेंगे, जिनके मन में संदेह होगा वो उस मार्ग पर नहीं चल पाएंगे।
अगला जो है प्रमाद, प्रमादा समाधि साधना ना अभावनम। समाधि के जो साधन है उनका अभावन, वो उनका नहीं होना, ये इस प्रकार का प्रमाद है। वास्तव में प्रमाद हमारा जो नियत लक्ष्य है और उसके लिए जो प्रयास करने हैं, वो प्रयास अगर हम नहीं करेंगे तो वो प्रमाद इस प्रकार का होता है। इन्होंने एक ऐसा उदाहरण दिया है कि प्रमाद यही सिद्धि है, अप्रमाद यही सिद्धि है। प्रमादम वै मृत्युरहम ब्रवीमि तथा प्रमादम अमृतत्वं ब्रवीमि। प्रमादम मृत्यु है और अप्रमाद ही अमृत इस प्रकार का है। दानू सर कहा करते थे कि 7 - 1 = 0, ये जो तवारिया प्राणायाम के बारे में बताते थे। तो एक दिन भी अगर तवारिया प्राणायाम छूट गया तो समझ लो कि एक हफ्ते का तवारिया प्राणायाम छूट गया इस प्रकार से। तो ये प्रमाद है कि ये अध्ययन मा प्रमदः, ये प्रकार का वेदों का एक उपदेश है कि अध्ययन से प्रमाद नहीं होना है, कि किसी भी तरीके से अध्ययन को टालना नहीं। तो जो हमारे नियत कृत्य है, जो हमें करना ही है, उससे हमें दूर नहीं होना है, वो करेंगे तो वो प्रमाद इस प्रकार का हो जाएगा। और एक बार प्रमाद की आदत पड़ गई तो लक्ष्य छूट जाएगा, लक्ष्य की तरफ हम बुड़ेंगे। तो इसलिए प्रमाद ये भी एक अंतराय इस प्रकार का है। आलस्यं कायस्य चित्तस्य च गुरुत्वात् अप्रवृत्ति। पहले स्थान एक बताया गया था तो ये चित्त के बारे में बताया गया था। अब आलस्य की बात करते हैं तो कायस्य चित्तस्य च गुरुत्वात्, केवल चित्त नहीं तो शरीर भी गुरुत्व होने के कारण अप्रवृत्ति इस प्रकार की हो जाती है, वो प्रवृत्त नहीं होता है कार्य। तो पहले मन कार्य में प्रवृत्त नहीं हो रहा था, अब शरीर भी कार्य में प्रवृत्त नहीं हो रहा है, ये आलस्य इस प्रकार का है। आलस्य में मनुष्याणाम शरीरस्तु महान रिपु, ये एक नीति शक्ति का श्लोक है। ये आलस्य एक बड़ा शत्रु है इस प्रकार। नहीं सत्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। सिंह सोया हुआ है और मुर्गा अपने आप उसके मुख में प्रवेश करते हैं, ऐसा तो नहीं होता है। सिंह को मुर्गों की शिकार करनी पड़ती है, मुर्गया करनी पड़ती है। तो अपने आप कार्य कुछ होते नहीं है और इसलिए आलस्य को त्याग कर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो ये एक अंतरा है आलस्य, ये भी एक अंतरा है और वो सभी लोगों में दिखाई देता है। तो इस आलस्य का त्याग करना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा, तभी हम आगे तरक्की कर पाएंगे। अविरति ही चित्त से विषय प्रयोगात्म गर्भ, विषय प्रयोगात्म गर्भ। तो अविरति ही चित्त से, तो अविरति यानी कि विराम न होना। हम वैषयिक सुखों में या इंद्रियों के सुखों में इतने अधीन हो जाते हैं कि कभी उनसे विरति होने का विचार भी मन में नहीं आता। न जातो काम कामाना भूभुव न शामि, हविषा कृष्ण बोलते हैं वह भूये वाग्विवर्तते, गीता में जो श्लोक आया है कि उपभोग से इतना उपभोग लेने पर मेरी शांति हो जाएगी, मेरा मेरा संतोष हो जाएगा, मेरी तृप्ति हो जाएगी, बस आगे मुझे कुछ नहीं करना है। इस प्रकार से ऐसा नहीं होता। वो लेने के बाद अरे और थोड़ा ले लेंगे, और थोड़ा करेंगे, इस प्रकार की वृत्ति बढ़ती जाती है। चरक ने जो बताया है, उपधा ही परो हेतु दुख दुखा श्रय प्रधा त्याग सर्वोपधान सर्व दुख। उपभोग लालसा या तृष्णा ये उपधा है और दुख और दुखाश्रय शरीर देने वाला वही श्रेष्ठ हेतु। त्याग सर्वोपधान, मेरी कुछ भी अपेक्षा आकांक्षा नहीं रही तो सर्व दुख व्यपोक्ता, तो सभी दुख दूर हो जाए।
लेकिन ये होता नहीं है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, ये सुख मिलना चाहिए वगैरह वगैरह, इस प्रकार से हाँ हम सोचते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं उसके, और उससे विषय वासना बढ़ती जाती है, इस प्रकार से कम तो नहीं होती, तो हमेशा कृष्ण वर्तने वर भूय भी वर्धते। हाँ, तो अगर हम आहुति डाल रहे हैं अग्नि, और सोच रहे हैं कि अग्नि अब बुझ जाएगा, आहुति डाल दी अब आत्मी तृप्त हो जाएगा, अपने आप बुझ जाएगा, तो नहीं होने वाला इस प्रकार से। तो उसी प्रकार से उपभोग हम लेते रहेंगे तो ये उपभोग लालसा जो है, तृष्णा जो है, कभी खत्म नहीं होगी। कायिक वाचिक मानसिक सांसारिक प्रमाद तो कोई भी तरह का हो सकेगा, तब तो बहुत ही कठिन। वैसे ये मार्ग आसान नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए ईश्वर प्रणिधान का मार्ग वैसे थोड़ा आसान है, ये जो तत्व ज्ञान के आधार पर चलने का मार्ग और ईश्वर प्रणिधान से चलने का मार्ग, इसमें विकल्प दिया है, तो दोनों तरीके से जा सकते हैं। ईश्वर प्रणिधान थोड़ा हल्का है, सुलभ है इस प्रकार से, लेकिन वो भी कुछ हद तक है, क्योंकि वहां द्वैत भाव है, मैं अलग हूं और ईश्वर अलग है, और मैं ईश्वर का प्रणिधान कर रहा हूं। बाद में जब असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था में पहुंच जाएंगे तो ईश्वर भी नहीं रहेगा, मैं केवल मैं ही रहूंगा इस प्रकार से, तो मैं ही ईश्वर हूँ इस प्रकार की ज्ञान, तो ये काफी मुश्किल है। अद्वैत और द्वैत इसके बारे में जो बहस होती रहती है, वास्तव में अद्वैत है लेकिन उसको समझना कठिन है, इसलिए द्वैत भाव इसके बारे में बताते रहते हैं, और ईश्वर प्रणिधान ये द्वैत भाव से चलने का मार्ग है। लेकिन जब उस अवस्था को पार करेंगे, द्वैत भाव की अवस्था को पार करेंगे, तो केवल अद्वैत यही रहेगा सदा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, वो चांगदेव पासष्टी की है, ज्ञानेश्वर ने चांगदेव को दिया किया हुआ उपदेश, और सीधे विचार विषय पर उतर आए, आत्म तत्व ही मूल है, उसी के जरिए ये जगत हमें भासमान इस प्रकार का होता है। तो भली भांति इस चीज को समझना, और मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, इस बात को समझ लेना काफी मुश्किल इस प्रकार का है, क्योंकि मैं भी नहीं रहता आदि, केवल तो ब्रह्म ही रहता है। ये पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, इसको भली भांति समझना ये काफी मुश्किल इस प्रकार का है, कि ब्रह्म भी पूर्ण है, जीवात्मा भी पूर्ण है, पूर्ण से जीवात्मा को निकालने के बाद भी पूर्ण ही रहता है, ये कैसी चीज है? अगर कोई हिस्सा हम ले रहे हैं उससे तो वो पूर्ण कैसा रहेगा इस प्रकार से? तो आकाश वैसे समझने में थोड़ा आसान है, घटाकाश और मठाकाश इस प्रकार का वर्णन करते हैं, कि मठ है उसमें घट है इस प्रकार का, और आकाश दोनों में है, घट में भी आकाश है, मठ में भी आकाश है इस प्रकार से, तो ये आकाश अलग अलग है क्या? ये हमने उसको परिच्छिन्न किया है, ये घटाकाश है, ये मठाकाश है इस प्रकार से, वास्तव में आकाश आकाश ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी हम समझ रहे हैं कि घट में जो आकाश है वो घटाकाश है, मठ में आकाश है वो मठाकाश है, विश्व में आकाश है वो विश्वाकाश इस प्रकार का होगा, अभी उसके बारे में बाद में हमें तो मालूम ही नहीं है क्या है इस प्रकार की स्थिति, क्या है इस प्रकार से। तो वो जैसे समझते हैं कि परिच्छिन्नत्व जीव से संबद्ध परिच्छिन्नत्व आ गया, तो उसको हम जीवात्मा कहेंगे, जय जीव जय करने इस प्रकार का कहेंगे, और वैसे ये परिच्छिन्न है ही नहीं, तो पूरे चराचर सृष्टि को उसने व्याप्त किया है, तो अलग चीज होने की संभावना नहीं है इस प्रकार।
समझना काफी मुश्किल इस प्रकार का होगा, और उस भाव के बारे में समझना है जो हमारी इंद्रियों के पर है। हम ज्यादा से ज्यादा क्या सोचेंगे इंद्रियों के द्वारा जो होने वाला है उसको सोचेंगे, लेकिन ये तो इंद्रियों से पर है तो उसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती। केवल इस मार्ग पर चलने पर हम जब उस अवस्था को खुद पहुंच जाएंगे, नातात्मीय ज्ञान ये खत्म हो जाएगी, चीज त्रिपुटी नहीं रहेगी, तो हम बताने के लिए वापस कहाँ आने वाले हैं वहीं पे हम उसमें परमात्मा में लीन हो गए, बस बाकी कुछ आगे करना ही नहीं है। प्योर एनर्जी फॉर्म यदि समझेंगे तो फिर नाइदर बी क्रिएटेड नॉट टू बी डिस्ट्रॉयड, तो पूर्णा पूर्ण मुदच्यते शायद समझ पाएंगे। हाँ, इसको कोई उदाहरण नहीं दे सकता, ये वास्तव है। ज्यादा से ज्यादा उन्होंने जो दृष्टांत देने के प्रयास किया है वो सपने का दृष्टांत देने का प्रयास, कि सपने में हमें लगता है मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, भटक रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, और जब नींद से जग जाते हैं तो पता चलता है ये तो सपना था, ये नहीं था। उसी प्रकार से जब हम इस बड़े सपने से जग जाते हैं कि जो हम अभी देख रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, सभी हमें चीजें वास्तव इस प्रकार की लग रही है, वो कुछ है ही नहीं। जब इस नींद से हम बाहर आएंगे तभी तो पता चलेगा, जब तक नींद में है तो हमें ये सब सच्चा ही लगता है। शंकराचार्य के ऊपर एक हाथी चढ़ा गया और एक गली में थे और वहां से भागना काफी मुश्किल था, तो उनको एक कुत्ता मिला, उसको उसने हाथी पर फेंक दिया और फिर हाथी वापस चला गया। तो लोगों ने उनसे पूछा कि आप इतनी बड़ी बातें करते हैं ब्रह्म वगैरह, तो आपने अपने खुद को बचाने की कोशिश क्यों की इस प्रकार से? तो उन्होंने उत्तर दिया कि गजो की मिथ्या पलायन तुम मिथ्या, दोनों मिथ्या है। वास्तव में हाथी भी सही नहीं है और मेरा पलायन भी सही नहीं है, सरकारी दोनों मिथ्या ही है। ये भ्रांति है, आमे इस प्रकार की भ्रांति हो गई कि ये शंकराचार्य पर हत्याक्रमण कर रहा है, शंकराचार्य मार रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि नेति नेति शब्द नहीं प्रमाणा नहीं अनुमाना सरकार तत्व एक ये। आहे, कार्याकार्य भाव जे आहेत त्यांची भिन्नता आहे फक्त. हाँ, म्हणून ते ये भी मुश्किल नकारात्मक है, आहे ना, म्हणजे भावकारात्मक कार्य आहे. कारण भाव कुछ हद तक मानते हैं, उसके आगे कार्य कारण भाव नहीं है, फिर स्वभाव होता है और स्वभाव के आगे क्या होता है पता नहीं। जैसे कि इससे ये उत्पन्न हो रहा है, इससे उत्पन्न हो रहा है, या कार्य कारण भाव, मैंने जो उदाहरण दिया था ऑक्सीजन ज्वलन को मदद करने वाला है और नाइट्रोजन ज्वलन को मदद नहीं करने वाला, इस प्रकार क्यों? तो बोलेंगे नहीं, वो स्वभाव है, जो इस प्रकार के ज्वलन के लिए मदद करने वाला है वो ऑक्सीजन है, वो नहीं करने वाला ये नाइट्रोजन है, ये उसका मूल स्वरूप है उस वायु का, इस प्रकार। तो उसी तरीके से सच्चिदानंद स्वरूप यह है और फिर आगे सत्वरजस्तमात्मक की प्रकृति है, उससे आगे हम कार्य कारण भाव लेकर आगे चल सकते हैं, काम कर सकते हैं। प्रकृति ऐसी क्यों है और पुरुष ऐसा क्यों है, ये क्वेश्चनेबल नहीं है, उसका सवाल नहीं है, ऐसे है, दैट्स ऑल। इनका मूल स्वरूप ही ऐसा है, बस उसके आगे कुछ नहीं बोल सकते। इसका स्वरूप ऐसा क्यों है इसके बारे में कोई बहस की नहीं जा सकती इस प्रकार से। तो ये काफी मुश्किल है कि किस तरीके से हम उस स्वरूप को समझेंगे, और इस सभी का मूल इस परमात्मा इस प्रकार में है। अभी जो विभिन्न पंथ हुए, सांख्य तत्व ज्ञान निर्माण हुआ, वो प्रकृति का पसारा है वगैरह सब बताते रहते हैं, पुरुष अलग है उससे, और प्रतिकृति को जब ज्ञान हो जाता है कि मैं पुरुष से अलग हूँ तथा उसके लिए मोक्ष हो जाता है, इस प्रकार का सांख्य बताते। अब
चैतन्य ही नहीं है तो ज्ञान कैसे होगा? प्रकृति अचेतन जड़ इस प्रकार की बताइए, तो ज्ञान किसको हो रहा है? ज्ञान को पुरुष को ही होना चाहिए, प्रकृति को ज्ञान कैसे होगा इस प्रकार से? तो ये काफी झमेले हैं इसके बारे में। जब हम सिद्धांत ये पढ़ने की कोशिश करते हैं, सांख्य तत्व ज्ञान, वेदांत तत्व ज्ञान वगैरह की कोशिश करते हैं, तो ये बताते हैं कि आपकी प्रकृति अगर जड़ है तो पुरुष को ज्ञान होता है कि मैं प्रकृति से अलग इस प्रकार का हूं। और वो बद्ध जैसा मैं लग रहा था वो बद्ध भी नहीं हुआ एक्चुअली इस प्रकार से। प्रकृति वापस चली जाती है, प्रकृति कैसे वापस चली जाएगी? वो तो अचेतन है, जड़ है इस प्रकार से। तो पुरुष प्रकृति से अलग होने वाला है, या पुरुष तो व्यापक है, सभी जगह सभी चराचर सृष्टि को व्यापक इस प्रकार का। तो अगर हम गहराई में जाकर सोचेंगे तो काफी दिक्कतें आती हैं, और इसके बारे में ज्ञान कर समझ पाना ये बहुत मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। तो ठीक है, सवाल तो उठते रहेंगे और जवाब सभी के मिलेंगे ही, ऐसा नहीं बता सकते, लेकिन हमें इन शब्दों पर विश्वास करके आगे आगे जाना है, ऐसा ही थोड़ा सा इसपे है। ठीक है, बुधवार को आगे बढ़ाएंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं पाङ्गनिरानतोऽस्मि। विरम्यते बुधवासरे पुनरपि।